हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल यार, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ बताता हूँ इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक बार प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कलर जो है ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और इसे आपको 15 से 20 सेकेंड के आसपास कर देना है। सिंपल इस वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, स्पीड 2 प्ले हिट कर देना है और इस पार्ट को आपको 6 से 7 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो चलो मैं फटाफट सबसे पहले डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को 9 पार्ट में डिवाइड कर चुका हूँ। इसके बाद सिंपल आपको सारे को आपको कलर जो है चेंज कर देना है। तो सबसे पहले मैं फटाफट सबका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया हूँ। इसके बाद लेयर पे आना है, इसके बाद टेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे जो भी आप लेटर टाइप करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको यहाँ पे ए कर देता हूँ। ए करने के बाद कलर पे आना है, आपको वाइट ही सेलेक्ट करके रहने देना है इस पर। इसके बाद डबल ए पे आना है और यहाँ पे आपको सिर्फ बोल्ड कर देना है। इसके बाद इसे आपको इस तरह से जूम कर देना है। इसके बाद ऊपर से आपको एडजस्ट कर देना है, रोटेट करना चाह रहे तो रोटेट भी कर सकते हैं। इस लेयर पे क्लिक करना है, इसे आपको फुल साइज कर देना है। तो वहाँ देख सकते हो वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो को ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रखा हूँ तो आपको भी शूट कर लेना है। ये वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसे हम फुल साइज कर लेते हैं। इसके बाद ग्रीन स्क्रीन वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, इसके बाद क्रोमा की पे क्लिक करना है और इसे आपको इनेबल कर देना है। तो हमारा यहाँ पे वीडियो सिंपल से तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना है तो सिंपल यहाँ से आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कलर बहुत सारे आपको मिल जाएगा, लाइट इफेक्टिंग यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डन करने हैं, हम इसे हमको हल्का जूम कर देता हूँ। इसके बाद सेंड टू बैक कर देते हैं। इसके बाद सिंपल इस पर क्लिक करना है, इसे हमें फुल साइज कर देना है। हमारा वीडियो कुछ इस तरह के देखने को मिल जाएगा, तो देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। आप चाहते हैं कि ज़्यादा जल्दी जल्दी हमारा कलर वीडियो में कलर चेंज हो, सिंपल इस पर क्लिक कर इसे हल्का छोटा कर देना है। तो आपको जो है ना वीडियो में कलर जो है काफ़ी तेज़ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो वीडियो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन लगेगा देखने में। मैं एक बार प्ले कर दिखा देता हूँ। इसके बाद यदि आपने ग्रीन विदाउट ग्रीन स्क्रीन में वीडियो शूट कर रखे हैं तो आपको कैसे एडिट करना है, तो सिंपल पहले मैं इसको डिलीट करके दिखा देता हूं। तो सिंपल लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो को विदाउट ग्रीन स्क्रीन में शूट कर रखा हूं तो उसको भी मैं उसी वीडियो को लेकर आता हूँ और करने के बाद सिंपल इसे हम कर सकते हैं फुल साइज। इसके बाद वीडियो पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग पे आना है, यहाँ पर आप ओवरले प्लस मल्टीप्ले, यहाँ पर आपको मल्टीप्ले कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।